कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम पढ़ते हैं बर्ड सेंचुरीज के बारे में। बर्ड सेंचुरीज क्या होती हैं? ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये होती है जहाँ पर बहुत सारी पक्षियाँ होती हैं जिनको कैप्ट करके रखा जाता है और उनकी केयर की जाती है, उनकी ब्रीडिंग पर ध्यान दिया जाता है। इन सभी के बारे में वहाँ पर केयर करके उनको रखा जाता है ताकि जो है वो जो चिड़िया है, मतलब जैसे बहुत सारी आपने देखा होगा कि जो अब हमारे इन्वायरमेंट में है ही नहीं, जैसे गिद्ध वगैरह पहले हुआ करते थे अब नहीं है, तो ऐसे ही जैसे बर्ड होती है उनके ब्रीड को कंजर्व करके रखना होता है। तो इसलिए बर्ड सेंचुरीज वगैरह ये सब डेवलप की जाती हैं हमारे इन्वायरमेंट के ध्यान रखते हुए। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं बर्ड सेंचुरीज जो कि हमारे लिए एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, और इसमें से बहुत सी ऐसी बर्ड सेंचुरी जो रामसर साइट के अंदर भी आती है उसको भी हम पढ़ेंगे। कौन कौन से इसमें से जो मैं अभी लिस्ट आपको प्रोवाइड करने चल रही हूँ, इसमें से कौन कौन से ऐसे हैं जो कि एग्ज़ाम में आपके पूछे जा चुके हैं उसको भी हम चर्चा में लाएंगे। चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? और ये जैसे मैंने लिस्ट यहाँ पर लिखी हुई है आप भी ऐसे लिस्ट को बना लीजिएगा, ओके? सबसे पहला आता है क्या, घाना बर्ड सेंचुरी। कहाँ पर है ये? राजस्थान में है। उसके बाद दूसरा क्या है, रंगन थिट्टू बर्ड सेंचुरी। कहाँ पर है ये? कर्नाटका में है। वेदान थंगल बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में है। नालापत्ती बर्ड सेंचुरी आंध्र प्रदेश में है। सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? गोवा में। देखिए सलीम अली क्या मतलब, एक डॉक्टर से उनका डॉक्टर उनको कहा जाता है डॉक्टर सलीम अली, ठीक है? तो इनके नाम पे ये बर्ड सेंचुरी बनाई गई है। अब इन्हीं के नाम पर दो बर्ड सेंचुरीज है, एक तो गोवा में है अभी मैंने लिखा है, एक तो केरला में है। अब आप सोचेंगे कि अगर मैम दोनों ऑप्शन में आ जाए तो हम क्या करेंगे? ऐसा नहीं हो सकता, या तो ऑप्शन में गोवा देगा या तो ऑप्शन में केरला देगा। आपको क्या करना है, जो भी आंसर गोवा दिया तो गोवा, केरला दिया है तो केरला आपको वहाँ पे मार्क करना है। और एक बात और मैं बता दूँ कि केरला का नाम जो है वो चेंज हो चुका है और उसका नाम अब हो गया है केरलम। क्या नाम हो चुका है केरला का? केरलम। तो साथ साथ में जो करंट अफेयर्स के पॉइंट्स होते हैं वो अगर जो आपके लिए इम्पोर्टेंट लगते हैं तो मैं आप उसको बताती हूँ चलूँगी, ठीक है? तो केरला का नया नाम क्या है? केरलम। तो अब यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? केरलम। उसके बाद क्या है, कुमाराकोम बर्ड सेंचुरी केरला में है, सॉरी केरलम में है, और ये वाला जो है पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। अगला क्या है, नल सरोवर कहाँ पर है? ये गुजरात में है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं कौन सा है, खिजादिया बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? ये गुजरात में है, और इसको किस में रखा गया है? रामसर साइट के अंदर रखा गया है। किस में रखा गया है? रामसर साइट में। अब रामसर साइट क्या होती है साथ साथ में ये भी बताते चलते हैं। तो रामसर नाम की ये जगह है, ठीक है? और ये जगह कहाँ पर है? ईरान के अंदर है। तो यहाँ पर एक यहाँ पे कन्वेंशन हुई थी जिसको हम कहते हैं रामसर कन्वेंशन। कब हुई थी? 1971 में हुई थी। अब इसमें क्या कहा गया कि जो वेटलैंड्स हैं, वेटलैंड क्या होता है, जो दलदली क्षेत्र होते हैं, मार्शी लैंड होते हैं, उनको हम वेटलैंड बोलते हैं। तो ये जो वेटलैंड होते हैं क्या हमें करना है, इनको कंजर्व करके रखना है, ठीक है? मतलब इनको बचा के रखना है। इसलिए कन्वेंशन हुई ईरान में रामसर नाम की जगह पर हुई, इसलिए इसको कहा जाता है रामसर कन्वेंशन। अब इसमें जो जगह शामिल हो जाती हैं उसको हम कहते हैं रामसर साइट। तो खिजादिया बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? गुजरात में है, रामसर साइट के अंदर ये आता है। अगला क्या है, बंकापुरा कहाँ पर है? ये कर्नाटका के अंदर है। चिंतामोनी वेस्ट बंगाल के अंदर है। अब कन्वर कहाँ पर है? बिहार में है, ये भी रामसर साइट में आता है। किस में आता है? रामसर साइट में। बखीरा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश, ये भी रामसर साइट में आता है। अगला क्या है, चिल्का। अब चिल्का नाम से आपने लेक बड़ा होगा लेकिन क्या है, एक बर्ड सेंचुरी है। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। तो यार ये तो आप आंसर कर ही लेंगे, अगर आपको पता है चिल्का लेक कहाँ पर है तो चिल्का बर्ड सेंचुरी भी आपको पता ही होगा कहाँ पर हो जाएगा, उड़ीसा में। किस में आता है? रामसर साइट, ये भी रामसर साइट है, ठीक है? तो आपसे कई बार नाम तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि कौन सा बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है, आपसे ये पूछा जाता है, लेकिन इसी के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी ऐसी बर्ड सेंचुरी है जो कि क्या है, रामसर साइट में आती है। क्योंकि आजकल एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो रहा है, आपसे नाम नहीं आजकल पूछा जाता है, वो उसका स्टेटस क्या है वो पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए खिजादिया बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? गुजरात में, आपने याद कर लिया, लेकिन आपको नहीं पता कि रामसर है या नहीं। आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, नाम दे दिया गया और पूछ लिया गया इनमें से कौन रामसर साइट के अंदर आता है, तो वहाँ पे आपको दिक्कत होगी। तो इसीलिए आपको उसका स्टेटस पता होना चाहिए कि अभी प्रेजेंट में उसका क्या स्टेटस है, उसके साथ कुछ जुड़ी हुई चीज़ें जो है वो आपको सब कुछ याद होना चाहिए क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हमने पढ़ लिया बर्ड सेंचुरीज जो कि हमारे लिए एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट थी, और सभी को मैंने आपको दे दिया है। अब आप क्या करना है,
इंडिया का मैप लेना है जिसमें सारे अलग अलग स्टेट डिवाइड होते हैं, वो वाला मैप पॉलिटिकल मैप होता है, उसी को आपको लेना है। स्टेट में मतलब स्टेट का नाम नहीं लिखना है आपको, ये इतना प्रैक्टिस होना चाहिए कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है ये आपको आना चाहिए। तो ब्लैंक मैप हो, पॉलिटिकल मैप हो, वहाँ पे स्टेट के सामने जो भी यहाँ पे बर्ड सेंचुरीज लिखी हुई हैं टिक करते हुए एरो लगाते हुए वहाँ पर लिखते जाइएगा, ठीक है। तो आपके लिए वो चीज़ आसान हो जाएगी याद करना, आप जब भी देखोगे उसको बार बार हर सबको नहीं पढ़ना पड़ेगा, बस आपने मैप देख लिया ना तो सब कुछ याद हो जाएगा आपको, एक बार पढ़ लो याद हो जाएगा। तो ऐसे याद करोगे तो फटाफट से आपको याद होता जाएगा, ओके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम जो अगला टॉपिक होगा उसको पढ़ेंगे, कुछ कन्वेंशंस पढ़ेंगे जैसे कि टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम चलता है, एलिफेंट के लिए चलता है, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो फिर उसके बाद अगला टॉपिक पढ़ेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और बताइएगा कि जो रीजनिंग वाला मैंने स्टार्ट किया है वो सही है या नहीं, तो फिर उसको हम कंटिन्यू करेंगे, और पॉलिटी वाला भी साथ साथ में हम कंटिन्यू करते चलेंगे, एक दिन पॉलिटी ज्योग्राफी फिर वो रीजनिंग हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।